तो गाइज यार वेलकम बैक टू द चैनल और वेलकम बैक टू एक और मज़ेदार वन ब्लॉक की वीडियो। तो गाइज बिना देरी के हम जल्दी से चलते हैं वन ब्लॉक के वर्ल्ड में, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया वन ब्लॉक में। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैंने अपना घर पूरा से कंप्लीट तो किया नहीं था, लेकिन मैंने फिर ऑफलाइन बैठ के सारा कंप्लीट कर लिया। अब बारी है कि मैं आप लोगों को इसका एक छोटा सा टूर दूँ, लेकिन उससे पहले ये जो छोटी मोटी वीट उग चुकी है इसको ज़रा सा हम उतार लेते हैं, क्योंकि ये बाद में फिर काम आएगी हमारे भी, ये जानवरों की भी आबादी बढ़ानी है थोड़ी बहुत। तो चलो ये जल्दी से इन सारों को लगा देते हैं, और तो नहीं है ना कुछ। चलो ये हो गया, इधर क्या है, इधर क्या है, कुछ नहीं है। और इधर पेड़ शेड़ भी अभी तक हो गए नहीं है, और ये अभी तक आज हम लोगों को इस फेज़ को ना कुछ भी करके पार करना है। तो सबसे पहले मैं टूर देता हूँ, ये हम लोगों के घर का फ्रंट, यहाँ पे एक टॉर्च है, यहाँ पे एक टॉर्च है, जब हमारे पास लैंटर्न वगैरह आ जाएंगे हम वो भी करेंगे। तो ये साइड पे जगह थोड़ी सी खाली है, यहाँ पे थोड़ा डेंजर है, और इधर भी इनको मैं बाद में बराबर कर दूँगा जब फ्री हूँगा। तो इधर आते हैं तो ये हमारा है बेड, और दोनों साइड से नीचे जाने का रास्ता है। इधर हमारा फर्नेस, क्राफ्टिंग टेबल और सारा वर्किंग एरिया, और यहाँ पे मैंने चेस्ट का पता नहीं क्या अजीब गरीब डिज़ाइन सारा बना दिया है। ये वाली तो खाली है, उनमें मेरे पास थोड़ा बहुत सामान है जैसा कि आप सब देख सकते हैं। मैंने सारा सामान इधर ही शिफ्ट कर दिया, और इधर भी थोड़ी बहुत चेस्ट्स हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारा छोटा घर है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने शुरू ही किया था वन ब्लॉक, तो इसी वजह से। तो अभी जल्दी से ना इनकी आबादी बढ़ा देते हैं जो हम करने आए हैं, इनकी जल्दी से आबादी बढ़ा देते हैं। अभी ये तो सारा ही खा लेंगे। तो आज जैसा कि मैं कह रहा था कि हम लोगों को ये वाला फेस कंप्लीट करना है। चलो चलो चलो, अब सूअरों का बारी आ गई है। पिगू और पिगी फाइनली कुछ करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी के साथ। ये दे दो। अबे यार ये तो चलता ही रहेगा इस तरह, तो एक दफ़ा ही सारा कंप्लीट होता भी आऊँगा। तो हाँ मैं क्या कह रहा था कि हम लोगों को ना ये वाली फेस कंप्लीट करनी है। और यार ये दरख्त भी अब उग गया, अब इसको भी तोड़ना ही पड़ेगा यार, क्योंकि मैं सारे काम साथ साथ लेके चलता हूँ। तो चलो इसे भी जल्दी से तोड़ ही देते हैं, उसके बाद ये फेस कंप्लीट करते हैं आज ही। सारा पैश थोड़ा सा सामान इधर रख दे तुम, तो भूख लग रही है। चलो अब इसको तोड़ते हैं। उससे पहले मैं सोचूं एक दो स्टोन की पिकैक्स बना लूं। एक चेस्ट में थोड़ा बहुत कोबल स्टोन तो है, अंदर से ना दो तीन स्टोन की पिक्स लेके आते हैं, और फिर मैं आप लोगों को टाइम लैप्स दिखाऊंगा कि कितनी जल्दी यह फेस कंप्लीट हुआ था, मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा, क्योंकि पूरा टाइम अगर मैंने पूरा दिखा दिया तो फिर तो आप लोगों की वाट लग जाएगी देखने में। तो जल्दी से यहाँ पर हम जितनी पिकैक्स हो सकती हैं उतनी बना लेते हैं। देयर वी गो, ये बन गई हैं सारी की सारी, इसको भी रखो। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फास्ट फॉरवर्डिंग क्लिप, जिसमें आप लोगों को नज़र आएगा कि कैसे मैं दरख्त तोड़ूंगा और उसके बाद फेस कंप्लीट करूँगा। पहले हम दरख्त तोड़ते हैं, उसके बाद हम कुछ करते हैं। यार किधर गई स्टिक्स, कहाँ गई सारी? यार मेरी ज़िंदगी में सुकून कैसे आ सकता है, सुकून ही तो नहीं आता। एक्स चलो जल्दी से जाके दरख्त तोड़ते हैं, और उसके बाद हम ये फेस को कंप्लीट करते हैं। और स्प्रूस के दरख्त को तोड़ने का जो निंजा टेक्निक है ना वो है ये। तो चलो यार मैं आप लोगों को अब टाइम लैप्स ही दिखा देता हूँ फटाफट।
तो गाइस अब चांसेस हैं कि इस चेस्ट के बाद ये सारी फेज ख़त्म हो जाए। तो सस्पेंस बनाने के लिए पहले हम पेड़ तोड़ेंगे, उसके बाद वीट फार्म जो है उसको माइन करेंगे सारा, उसके बाद हम लोग ये करेंगे जो भी करना है। बल्कि यार सारा ही तोड़ देते हैं, नहीं देख के तोड़ो, जो जो पके हुए हैं वो तोड़ो। उप्स ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो अब इनको प्लांट कर देते हैं, साथ में थोड़ी बहुत कैरेट्स भी प्लांट करनी है यार, क्योंकि हमारा सबसे पहला पेट है पिगू, उसके लिए भी तो अब कुछ करना है ना, या नहीं उसको ऐसे ही छोड़ दूँ भूखा मर जाए बेचारा। चलो अब इधर पिगो के लिए ना कैरेट्स लगा दे, फ्रंट वाली रो सारी पिगो की है, डन हो गया। अभी अगर इसके बाद फेज ना ओवर हुई ना मेरा पोपट हो जाना है। लेट्स गो फेज ओवर, तब तक ना मैं सारा सामान जो है ना उठा के ना घर में उठा के ले जाता हूँ। उससे पहले ना ये थोड़ी बहुत सैपलिंग जो है इन्हें प्लांट भी कर दिया जाए, क्यों नहीं, अगले वीडियो के लिए भी तो कंटेंट निकालना है। अगली वे आ गई है, पता नहीं ये कौन सी आई होगी, आई डोंट नो। अभी इधर से भी जितना सामान उठाया जा सकता है इसे उठा लेते हैं। अभी फिलहाल इतना ही उठा सकते हैं, इन सबको टेलीपोर्ट करते हैं ना हम इधर नीचे, इधर नीचे इसको शिफ्ट कर देते हैं जो जो घुसता है। जाया जाते रहो, ये भी चला गया। चलो बाकी अभी इसमें डाल देते हैं। एम्प्टी मैप मिला है एक, पता नहीं इसका क्या काम होगा। अब बाकी सामान लाते हैं, इधर भी यही है, इधर भी कुछ नहीं, आई इनको यहीं रहने दो क्योंकि ये फिर मैं बार बार घर में तो नहीं आऊँगा ना। इसको लेने चलो, ये तो आ गए हैं। इतना टाइम लगे है ना इस वीडियो को बनाने में, क्या बताऊं यार। आप लोग पीछे फास्ट फॉरवर्डिंग क्लिप आप लोगों को मिली होगी 2 या 3 मिनट की या 4 मिनट की मैक्स टू मैक, और मेरे तो पूरा घंटा ही लग गया इस फेस को ख़त्म करने में। चलो चेक करते हैं ये फेस किस चीज़ की है। सुनो नाइस, मतलब हमें पोलर बियर मिलेगा तो हमें उसके लिए भी अब कुछ रहने सहने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो गाइज यार ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दे एक प्यारा सा थम्स अप और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आप लोगों से इसी तरह की धासु नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।